सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने जा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। ओके, सो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग तैयार हैं आज की वीडियो को सीखने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली बात जो है मुद्दे की बात, वो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर। सो ये है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर, एक CO माइनस, बीच में दो CH2, एक कीटो ग्रुप, एंड ये है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसका रिडक्टिव एमिनेशन होगा, राइट? क्या होगा? रिडक्टिव एमिनेशन। एमिनेशन मीन्स अमोनियम आयन जुड़ेगा, राइट? सो एक रिएक्टेंट तो NH4+ होगा ही होगा, राइट? एंड ये सब अमोनियम और ये सब लेन देन के केस में ना NADPH और NADH आता है। ओके, और एक बात याद रखना कि अगर कोई भी रिएक्शन पे NADPH और NADH ये सब आ रहा है, देन देयर इज़ ए हाई चांस जो एंजाइम काम करेगा इस पूरा का पूरा रिएक्शन में, वो एक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा। ओके, सो यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा उसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज विल गोइंग टू वर्क एंड एज ए रिजल्ट NH4+ आयन विल कम हेयर, दिस ओ विल आउट एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दैट। ओके, सो जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही है हमारा ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने पहचान दिया। सो ये जो रिएक्शन है वो यूकैरियोट्स के लिए बहुत ही एक माइनर रिएक्शन है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस माइटोकॉन्ड्रिया पे ही होता है। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस अंधा है। ओके, ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस ब्लाइंड है, इसके लिए इसलिए ये NADH एंड NADPH के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। एंड एज ए रिजल्ट अगर NADH रहा और NADPH रहा, दोनों के केस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस काम करेगा और अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अमाइनो ग्रुप और अमोनियम ग्रुप जो भी आप बोले उसको देकर ग्लूटामेट में कन्वर्ट करेगा। सो ग्लूटामेट इज द क्रिटिकल पॉइंट था हमारा, जहाँ से लेकर अब सब अमाइनो एसिड को अमोनियम ग्रुप मिलेगा और अमोनियम आयन मिलेगा, राइट? सो ये था आज का वीडियो। सो इसके बाद वाले जो वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिन। सो ग्लूटामेट हमने बना लिया, सो ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बनाना भी सीखना होगा, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड को अमाइनो ग्रुप देने का क्रम ग्लूटामिन भी करता है। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।